नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपका सपना है एक अध्यापक बनना, एक टीचर बनना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो इस शिक्षा नीति आपको कैसे लगी। शिक्षा नीति में दोस्तों, यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो गई है। पहले क्या था, डायरेक्ट एग्जाम देते थे, एग्जाम पास हुआ फिर कोई इंटरव्यू नहीं और डायरेक्ट आप अध्यापक बन सकते थे। अब दोस्तों, शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, नियमों में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। तो उस फेरबदल में स्टेप बाय स्टेप हम सारे नियम देखेंगे, तो एक टीचर बनने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से एक अध्यापक को गुजरना होगा वो संपूर्ण हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें, तो सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, जिससे सभी को इस नीति के बारे में पता चल सके। तो ये केंद्र सरकार की जो नीति आई है इसके बारे में हमें चर्चा करते हैं। तो पहली जो चर्चा है दोस्तों कि अध्यापक बनने की प्रक्रिया है वह क्या होगी। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों कुल आपको 5 स्टेज से गुजरना होगा। जो भी भावी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं उनको 5 स्टेप से गुजरना होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुंच सके। अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो 500 स्टेप हैं वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास BEd तो होनी अनिवार्य है, या BEd या BSTC आपके पास होनी अनिवार्य है। उसके बाद आपको TET की एग्जाम देनी होगी, जिसमें 12वीं लेवल का पेपर बनेगा, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो समस्त खंडों में पास करना अनिवार्य होगा। जैसे हिंदी का आ गया, इंग्लिश का आ गया, या सब्जेक्ट का, जो भी TET में जो भी साइकोलॉजी हो गया, जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों में अलग अलग पास होना जरूरी होगा। मतलब सबसे पहले आपको TET की एग्ज़ाम पास करनी होगी। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जिस विषय में आपकी डिग्री ली गई है उस डिग्री में उसी विषय में आपका एक एग्ज़ाम होगा, जो आपको पास करना अनिवार्य होगा। जैसे दोस्तों आपने BEd में या ग्रेजुएशन में जो आपके पास सब्जेक्ट रहा है, जैसे हिंदी रहा तो हिंदी के पेपर होगा, गणित रहा है गणित का होगा, विज्ञान रहा है विज्ञान का होगा, उर्दू वाले को उर्दू का पेपर होगा, उसी प्रकार जो भी आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आप अध्यापक बना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपका एक पेपर होगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जो तीसरा स्टेप है वह होगा दोस्तों कि लिखित एग्ज़ाम होगा, यानी आपकी उसके बाद में एक लिखित एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको उत्तीर्ण करने वाले ही आगे के प्रोसेस में योग्य होंगे। मतलब जो लिखित एग्ज़ाम होगा वह भी आपको पास करना होगा, ये लिखित एग्ज़ाम होगा, ये सभी का कॉमन होगा। ये पास करने के बाद में जो चौथा स्टेप होगा वह दोस्तों होगा इंटरव्यू का। जैसे पहले कॉलेज लेक्चरर में स्टेप कम्प्लीट करने के बाद में इंटरव्यू होता था, वैसे आप थर्ड ग्रेड के अध्यापक बने चाहे सेकंड ग्रेड के बनना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड के अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी अभी इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया गया है, जो मेरे अनुसार सरकार का बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये इंटरव्यू का स्टेप होगा। इसके बाद जो पाँचवा स्टेप है वह होगा दोस्तों डेमो प्रशिक्षण का, यानी आपको पहले आपको क्लास में 5 से 7 मिनट तक पढ़ाकर दिखाना होगा। उस पढ़ाने के बाद में या तो आपको जिस सेंटर पर आपका डेमो प्रशिक्षण होगा उस डेमो प्रशिक्षण का वीडियो बनेगा, वीडियो बनाकर उसको HRD मंत्रालय, यानी जो केंद्र का जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उस मंत्रालय को आपका वीडियो भेजा जाएगा। उसके बाद इन 5ों के आधार पर दोस्तों आपका कट ऑफ मेरिट डिसाइड होगा। तो मेरिट डिसाइड होने के बाद में आप एक मेरिट में सिलेक्शन होने पर आप एक अध्यापक ही बन पाएंगे। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में अध्यापक बनने की प्रक्रिया, शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। ये दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने जारी की है, जिसमें 170 नंबर के पेज पर आप देख सकते हैं, PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस PDF में 170 नंबर पेज पर यह शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है। तो इसके बारे में भी वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या नया दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी सभी राज्यों में, और सभी जो केंद्र शासित जो भी भर्तियाँ आएंगी उनमें प्रभावी हो जाएगी। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में दोस्तों जो 170 नंबर पेज पर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में, वह है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे समाज में शिक्षकों के पेशे के प्रति भरोसा और सम्मान पैदा होगा, जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास आएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपको यदि आप प्राइवेट या निजी किसी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको TET पास करना अनिवार्य होगा। यदि आपने TET पास नहीं किया है तो आप किसी निजी
विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं अध्यापन नहीं करवा सकते। दोस्तों नियुक्ति के लिए पहले क्या करना होगा, पहले स्क्रीनिंग टेट की एग्जाम होगी। वर्तमान में मौजूद टेट को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा, जिससे अभिलाषी शिक्षकों की क्षमता एवं ज्ञान का बुनियादी या अधिक सार्थक प्रशिक्षण सुनिश्चित हो जाएगा। स्कूली शिक्षा को सभी स्तरों जैसे बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक को शामिल करते हुए टेट को विस्तृत किया जाएगा। दोस्तों इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त एनटीए परीक्षाओं के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। तब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए टेट्स राज्य या फिर केंद्र स्तरीय परीक्षा और एनटीए की परीक्षा नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है की परीक्षा को पास करना जल्द से जल्द अनिवार्य किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली प्रक्रिया होगी वह है लिखित परीक्षाओं से शिक्षकों की स्थानीय भाषा पर पकड़। शिक्षकों के प्रति जोश और उत्साह को नहीं आंका जा सकता है, जो कि एक उत्कृष्ट शिक्षकों के गुणों में शामिल है। इसके लिए दोस्तों इच्छुक जो शिक्षक हैं उनके दूसरे चरण की स्क्रीनिंग में चयन प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, जिसमें साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तब 5 से 7 मिनट का कक्षा में डेमो जो प्रशिक्षण है पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा। दूसरे चरण की स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके बाद में स्थानीय बीआरसी में करवाया जाएगा, और अगर यह संभव नहीं हो पाया तो टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार और शिक्षण प्रदर्शन का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकेगा। तो ये इतनी प्रक्रिया शिक्षक बनने के लिए आपको जरूरी होगी। इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? तो शिक्षक बनने के लिए आपको इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये नई शिक्षा नीति जो आई है वह आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। यदि गलत लगी है तो गलत बताइए, यदि सही लगी है तो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये केंद्र सरकार की जो शिक्षा नीति आई है वो हमने आपको पूरी बता दी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।